तूने ये दुपट्टा इतना रंगीन और इतना गाढ़ा और ढक्का है कि आपका जो है कुछ भी अंदर से दिखाई नहीं दे रहा है। आपका मैं चेहरा देखना चाह रहा हूँ राजबाला। अच्छा हाँ पिया जी, एक बात बताओ, आपने जो कटारी रखी है क्यों रखी, पहले मुझे इसका जवाब। अच्छा कटारी की पटारी पूछना चाह रही है। शादी की पहली पहली रात यानी कि स्वागरात के दिन है, आज राजबाला बात तो तेरी बिल्कुल सही है पिया जी, लेकिन मैंने अपने धाम का ख्याल रखते हुए कटारी बीच में रखी है। अच्छा, क्योंकि जब मैंने तुझसे शादी करी थी तो तेरे पिता ने 20,000 रुपए मुझसे लिए थे। ओहो। और ये कहा था कि जब तक ये 20,000 रुपए पूरे नहीं हो जाते, जिसने दिया था उसने शर्त लगा दी कि तुम्हें राजबाला के साथ में बहन भाई का नाता रखना है। पिया जी, अगर आपको बहन भाई का ही रिश्ता ही रखना था, आपने फिर मेरे से शादी क्यों करी थी? राजबाला वो भी कोई बात थी जो मैंने आपसे शादी करी, लेकिन थोड़े से दिन की बात है। हाँ? राजबाला 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद हम और तुम बिल्कुल मौज में रहेंगे। मेरी बात सुन ले पिया जी, कहते हैं कि घूंघट की आड़ में दिल भर का दिलदार अधूरा होता है। ओहो, आड़ बहुत तकड़ी है। घूंघट की आड़ में दिल भर का दिलदार अधूरा होता है, और जब तक ना पड़े आशिक की नजर, पिया जी सिंगार अधूरा रहता है। तुझे औरंगाबाद में ना छोड़ दूं, तेरा सिंगार पूरा हो जाएगा यही। हाँ, लेकिन मेरी बात भी सुन ले। हाँ? राजबाला जरा दोबारा से कह के बता दे, यही शेर दोबारा से, यही शेर दोबारा सवा शेर कर। घूंघट की आड़ में दिल भर का दिलदार अधूरा होता है। क्या? घूंघट की आड़ में दिल भर का दिलदार अधूरा होता है, दिलदार। और जब तक पड़े ना आशिक की नजर, तो पिया जी श्रृंगार अधूरा होता है। राजबाला मेरी भी बात सुन ले। कहिए पिया जी। पानी में पत्थर क्यों मारती हो राजबाला, इसे भी कोई पीता होगा, और थोड़े से दिन रुक जा, फिर तेरे लिए भी कोई जीता होगा। थोड़े से दिन की बात है बस। पिया जी, ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, मेरे बदन को छू के जा रही है मुझे। ओहो राजबाला, तुझ पे तो मुझे ऐसा लगे जर्सी भी ना हो। हाँ, मेरी बात सुन ले पिया जी। तुझे सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी अब। अच्छा, और कोई बात नहीं, आप जो हो ना। अच्छा हाँ, लेकिन मेरा भी हाथ तंग है। तंग है, कह दे राजबाला क्या कहना चाहते। सुन ले पिया जी मेरी बात। हो आजा आजा बलम हजारी, वो तेरी बात देखे प्यारी। थोड़े से दिन रुक जा राजबाला प्यारी। पिया जी एक मिनट न रुका जा, रास्ते मेरे से फिर तेरी काट दूं बीमारी। पिया जी आप तो गाते बड़े जोर का हो राजबाला। हाँ, ये तो समय की नजाकत है, वरना मैं बजाता भी बहुत जोर का हूँ। अच्छा हाँ, मेरी बात सुन ले। कहते हो आजा आजा पलम हजारी, तेरी बात देखे प्यारी। आजा आजा पलम हजारी, तेरी बात देखे प्यारी। तेरे बिन जाने यानि बोल, दिखा दे बात।
तेरी चढ़ती हुई जवानी का तो मुझे ख्याल है। अच्छा, लेकिन अजीत सिंह और राजबाला पीछे भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कौन से? हाँ, भाई जयवीर भाटी और चिंतामणि अगली कली को लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। जोरदार ताली मार दो, जोरदार ताली हो जाए भाई। हाँ तो राजवाला क्या कह रही थी तू? पियाजी मैं ये कह रही थी। भैया बतला लू दो बात। हाँ क्या कह रही थी? जैसे कि मैं जवान हो चुकी हूँ। और का तुझे गोदी में लेकर आता मैं। मेरी बात सुनिए। हाँ। कि वापिस नहीं आता कभी तीर चल जाने के बाद। अच्छा, कि वापिस नहीं आता कभी तीर चल जाने के बाद, और कौन पूछेगा तुझे हुस्न ढल जाने के बाद। चार दिन की चांदनी है बस, फिर ले ले जो लेना। मेरी बात सुन ले। हाँ। मेरे हुस्न के लिए तो कह रही, अगर आपका आदेश हो तो मैं भी कह दूं। मेरी बात सुन ले। सुनाइए प्रवीण जी, आप इस शेर को मत सुनना। क्या कह रही थी तू एक बार और कह। मैंने कहा कि वापस नहीं आता कभी तीर चल जाने के बाद, और कौन पूछेगा तुझे हुस्न ढल जाने के बाद। मेरे लिए तो कह रही है, पर मेरी भी बात सुन ले। सुनाइए। फूल पर बेशक से भवरा मचलते देखे हैं हमने। तुमने? फूल पर बेशक से भवरा मचलते देखे हैं हमने। हाँ। जवानी देखकर कुछ रंडवा उछलते देखे हैं हमने। ओके, अभी तो आधा ही हुआ है। हाँ। फूल पर बेशक से भवरा मचलते देखे हैं हमने जी। जवानी देखकर कुछ रंडवा उछलते देखे हैं हमने। ओके, मगर जब ये नूर ढल जाए बुलाती रहना यारों को। हाँ। माल बेकार कहकर के खिसकते देखे हमने। तू मेरी बात ना मत ना कह, अपने बारे में भी सोच। मेरी बात सुनो। हाँ। माल तो सामने खड़ा है। मेरी बात सुन ले। सुनाइए। मैं करप्शन नहीं कर सकता। अच्छा, मैं करप्शन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सेठ से वादा कर दिया था कि जब तक 20,000 रुपया ना पट जाए, जब तक घरवाली को बिल्कुल क्या बाहरवाली समझ के रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनिए। हाँ। मेरी चढ़ती हुई जवानी ना तूने मेरे दिल की जानी। जानूंगा तेरे दिल की भी। मेरी चढ़ती हुई जवानी ना तूने मेरे जवानी पे ही चर्चा करे जाओगे या तो ठुमके भी लगा लें दो। मैं तो अपनी की चर्चा कर रहा हूं भैया। आइए, क्या बात है खेमचंद। तू ही ना
बतला रही, पहले कह रही है कुछ ना कुछ गा रही है। अच्छा पहले बतला ले, अब बता क्या बात है। बात इसी है, हाँ मेरी देख ले मेरी उम्र को, देख ले मेरी उम्र क्या बनी है। राज वाला तो मैं सब तो मेरी पर याद छीन भी कर रहा हूं। यो भी मेरी तने छिनवा दी तू। राज वाला हम मेरी बहका मत तू। हां बहका मत बना। राज वाला देख ले, यूं कह रहा हूं मेरी ही तने छीन ली। हेलो डोंट टच मी तन बदन, यू नॉट बी फोर फालतू बकबक ना। अब तो तन बदन टच करवाई ले कोई बात ना। क्या कह रही थी, सुनाई नहीं आई। मैंने हाथ लगा दिया तो क्या बुराई होगी। डोंट टच मी तन बदन बुराई के बात है, वीर पराई ना छेड़ा ना करते, ठीक कर दूंगी तन। तेरी अकल कहां जा रही है, वीर पराई है तू तो अपनी है। देख ले मतलब अजीत सिंह मैं हूँ। हाँ। तेरे डायलॉग उतल पुतल कैसे भाग रहे हैं। ऐसा वाकी कह तो तू मूड पकड़ के रोएगी। अच्छा 20,000 में बंधा पड़ा, कोई बात नहीं 20,000 बंधा पड़ा, ये खुला पड़ा, ये कार्रवाई डाल देगा, कर्जा वापस आने लग रहा, टेंशन मत करे। या के धोर पुराने नोट मिलेंगे तुझे, कुछ भी नई करेंसी है ना। ना ना तो पुराने ही ले लूंगी, करेंसी नई ना लेनी तू। अपना धो रहा है है। जब हवा ठंडी चलती है तो बादल बरसता है, और ऐसे मौसम में मिलने को जाने मन मेरा दिल तरसता है। तेरे दिल की भी तरस को बता दो। हाँ। मेरी बात सुन ले, आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। हम तो ऐसे ही बढ़ेंगे। आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा? जवानी के नशे में सर पे चढ़ रहे हैं। अभी हम भी जवां हैं और हमारा दिल भी जवां है, ठीक कह रहा हूं जी। सुन ले, आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं, जवानी के नशे में सर पे चढ़ रहे हैं। अभी हम भी जवा, हमारा दिल भी जवा है। अच्छा? बस इन्हें मत देख, दो बच्चों के बाल ही तोड़ रहे हैं। मेरी बात सुन ले, पलट कर देख अजीत सिंह की तमन्ना हम भी रखते हैं। ओहो की पलट कर देख अजीत सिंह, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर हुसन आप रखते हो तो जवानी हम भी रखते हैं। आचार्य विजयपाल शास्त्री जी करप्शन फ्री इंडिया जिला अध्यक्ष अलीगढ़ से 100 रुपए दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे बिछाई थी, फूल पड़े थे, पर पता नहीं किसी ने चिड़चिटा लगे रहे, कोई राजी रहो कतई। ठीक ना, तेरी साथ तो राजी होना भी ना चाहिए, मेरा जी सिंह तो वो बैठा देख ले। सेज पर राजी हो ही ना रहा भैया, कोटे से गिर दिया हमें। पता ना तेरे भी जो सिलवार में कई चिड़चिटा से चिपक रहे, पता ना कहां से आई है। पिया जी, हां जी, अपनी जुबान को लगाम दे लो, आप ऐसी बात मत करो मेरे से, मैं पतिव्रता नारी हूं। ओहो हां जी, मैं घोड़ा हूं जो लगाम दे लियो। मेरी बात सुन ले, कहिए जोड़ा दूसरे बुला लो, सुन लो, घरवाली बदल लिया उनको भी बदल ले दो। बाबा ऐसा मत कर भैया। हाँ। ना ना मासा जी तू ही कर दे काम, अब दोनों ही आ जाओ, कोई दिक्कत ना। आजा चिंतामणि, कैसे चिंता में बैठी है, और लहरे के साथ आ जाओ उस्ताद जी, लहरे पे आ जा दोनों।
खड़ा तुम्हारे रात दिना पे रात भगत का हाँ ख्याल में आ
जुझकारे हो चरण पिया जुझकारे। अरे कहाँ है ऐसे भाग हमारे, कहाँ है ऐसे भाग हमारे, न्यू रोया हिड़की भर के मेरा लाल भगत आया था पिया। गया नमस्ते करी गए, गया नमस्ते करी गए। शाही से नहीं लिखी जाती वीर गाथाएं, शहादत लिखोगे तो साथियों खून चाहिए। कैसे भला खुशबू से महक उठे ये सारा जहां, नुकीले कांटों में भी गुलाब बनकर जियो, नुकीले कांटों में भी गुलाब बनकर जियो। कैसे बना जी, करप्शन फ्री इंडिया के सम्मान में, जी हाँ करप्शन फ्री इंडिया के सम्मान में 2100 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए, बार बार धन्यवाद। कैसे बना जाम ये नहीं जो हम पी रहे हैं, उम्र ये नहीं कि हम सदी रहे हैं, अरे जिंदगी तो वो है जिसे सदियों से रहे जमाना, क्योंकि वतन पर मिटने वाले तो आज भी जी रहे हैं, वतन पर मिटने वाले आज भी जी रहे। जोरदार तालियों में भी शहीदों के लिए हो जाए। हो पास हुई ना एक मेरी, हाँ पास हुई ना एक मेरी, सब फेल सिखाप चली गई। अरे बेटे वाली आग पिया मेरा फूकेगा चली गई, हो फूकेगा चली गई। हंसी खुशी मेरी भगत सिंह के हाँ सारी साथ चलेगी। अरे रोते रोते रो
आपके चेहरे में। अच्छा, लेकिन आपके जाने के बाद कभी चाय दे दो, कभी पानी दे दो, कभी रोटी दे दो, तो कभी सब्जी दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। ये तो बात तेरी, यहाँ तक तो सही है, रोटी सब्जी और चाय पानी तक तो बात चल जाएगी। और लेकिन ये जो ये वो के तू सिस्टम में पड़ रहा है, ये बात मुझे कुछ सही नहीं लग रही तेरी। भाई आपको भी विश्वास है जो एक गिलास पानी नहीं दे रही ये वो दे देगी? भाई मेरी भी सुन लो, आप ये बताओ कि ये कोई पेड़ पौधा है कि लोटे से जल मैं ही लगाऊंगी इसमें? अच्छा खासा सांड हो रहा, लेके पी सकता है गिलास पानी तू? मेरी बात सुन ले, जिस टाइम माता और पिता की मौत हुई थी उस समय इसको हमारे और तेरे ही आजर्दा छोड़ गए थे। तू इसकी माँ के समान है, तू बड़ी भाभी है, इसकी सेवा करेगा। माँ नहीं हूँ मैं इसकी, लेकिन माई तो नहीं है, माँ के समान तो है। या तो मान जाओ, नहीं दोनों को पेल दूंगी। भाई खानदान की तो पता लगी होगी कितने बढ़िया खानदान की है। हाँ। जो अपने बालों में नहीं पकस रही वो और कैसे रोटी पानी देती होगी इस बच्चे? मेरी बात सुन, ताली हो जाए जोरदार ताली। मेरी बात सुन ले, जो इतनी पटपट बोल रही है सब तेरी करनी का दंड भरना पड़ रहा मुझे। अगर तू इसे पहले ही पेल के रखता तो इतनी बकवाद नहीं करती। हाँ मेरी बात सुन ले। हाँ। मुझे ऐसे दिखे मैं पहले तुम दोनों में चार चार डंडा यही लगा देती हूँ। नहीं इसमें ही लगा दो बस, ना होश में आ जाओ तुम दोनों तो मैं भी जहर मोरा लिए घूम रहा हूँ। तो तेरी बिल्कुल, मेरी बात सुन ले भाई, तीनों ने पूरे खानदान ने पेला पेल मजा रखी है। पेला पेल पे खड़े मत हो, कुछ दिन रुक जा, भी मैं तेरी शादी तो करवा दूंगा, लेकिन मुझे अभी तुझ में कुछ कमजोरी नजर आ रही है। मेरी बात सुन ले, मेरे बात बिल्कुल दिल पे लग रही है। दिल पे तो लग रही है। हाँ। लेकिन ऐसा ना हो कभी शादी होते के साथ दिन शरीर पूरा हो जाए। बेशक से शरीर पूरा हो जाए, लेकिन यो तमन्ना है मेरी। अच्छा जी, लुगाई चाहिए इसे। मोड़ बांध के मरेगा तो वैसा ना मरे। बिल्कुल, तू चुप रहो, दो बात इससे अलग कर लंदे। बिल्कुल मेरी बात सुन भाई, कह दे। ओ भाई सुन भूप मेरे, तू मेरी दर्द कहानी बोली दी मुझे मार, मेरी भाभी मर जानी ने। अरे रब तुम्हार गिस्ताना, मेरा दिल हो गया दीवाना। अरे रब तुम्हार गिस्ताना, मेरा दिल हो गया दीवाना। ओ भाई सुन भूप मे, तुम्हें दर्द कहानी ने। बोली दी मुझे मार, मेरी भाभी मर जानी ने। से काटिया बाहर तेरी उस बहु अंगानी ने। बोली दी मुझे मार, मेरी भाभी मर जानी ने। अरे रे वो तुम्हार गीताना, मेरा दिल हो गया दीवाना। अरे रे वो तुम्हार गीताना, मेरा दिल हो गया दीवाना। के लाना हो, लेकिन मैं उससे शादी जरूर करूंगा। मेरी बात सुन ले, काश खुशियों की दुकान होती और हमें भी उनकी पहचान होती। काश खुशियों की दुकान होती और हमें भी उनकी पहचान होती। सारी खुशियां खरीद कर नौटंकी की झोली में डाल देते, चैन खुशियों के बदले हमारी जान होती। और दूसरी बात में क्या लिख दिया? फूल सिंह की तो बात ठीक चल रही है। एक और फूल सिंह बैठा, नहीं कह रहा जी मैं भी थोड़ी सी कार्रवाई करूं।
कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार जोरदार ताली इसके लिए भी हो जानी चाहिए। जी हाँ भाई संदीप बैसला, एक अंतरा ये भी इस रागनी में गाएगा, एक बार जोरदार ताली इस बच्चे के लिए भी हो जानी चाहिए। आइए नजर आ रही है कि तुझ में कुछ कमजोरी का भी हिसाब किताब बन रहा है। बताया है कि जल ही जीवन है, जब मेरे शरीर को जो मैन एनर्जी वही नहीं मिल रही तो फिर कैसा मोटा हो जाऊंगा मैं। अच्छा हेलो, मैन के चक्कर में ना, तू वो मैन के चक्कर में नहीं, वो मैन के चक्कर में तो है, मेरी बात सुन ले। लेकिन अभी तेरे मोरा कैसे पाम हो रहे, अभी मुझे कुछ कमजोर लग रहा है, तू जिम विम करके गैनर पैनर मार के तन सा हो जा। मेरी बात सुन ले, मुझे खटक लग चुकी है जैसे चंद किरण को बहने की राजा मदन सेन को लगी थी। ऐसा ना हो जा कभी पटक लग जा, तो इससे ज्यादा पटक और क्या लगेगी, भाभी ने एक गिलास पानी के लिए मना कर दिया। कहते तो सुने की बहू बनाऊंगा नौटंकी रानी ने बोली थी मुझे मार मेरी भाभी रानी ने, अरे वो तुम्हार की ताना मेरा दिल हो गया दीवाना, अरे वो तुम्हार की ताना मेरा दिल हो गया दीवाना। बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, इसकी उम्र क्या अभी, ये कैसे छेड़ रहा, दाढ़ी आ रही इसके, सांड हो रहा है, इसकी उम्र नीचे है अभी, मेरे और कैसे में अब कुत्ते फूटेंगे। तू ज्यादा लंक मत लगा मेरे भाई पर, नहीं मैं तुझे अभी बता दूंगा। ओ भैया तुम आपस में लड़ने की टाल करो अब जा भाई, तुम्हें भी लग रहा है बस वादा का जी मेरा घर। हाँ वैसे ही मीठी गोली दे रहा है इनके सामने, मेरी बात सुन ले। अब ले ले बाबा जी का टुल्लू, उल्लू का पट्टा, मैं तो तेरी वजह से पच रहा हूँ, तेरे लिए पच रहा हूँ, लेकिन तुझ भी आज मुझे मां के जाए भाई पर तुझे उस बीरबानी के लिए जो शक हो गया है। मेरी बात सुन ले, अब तू मेरी शादी वादी की तो करवा दे बिल्कुल टाल, क्योंकि तुम दोनों यहाँ से आपस में मुझे लड़के दिखा रहे और कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे तुम। तेरे अच्छा। बहलाने को लड़ रहे। हाँ अच्छा और कार्रवाई ठंडी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सर पर दो फूल चढ़ा देना, सुन ले भाई भूप सिंह। अरे रुक जा कुछ दिन तो रुको, अभी अब नहीं रुका जा रहा, अब बात लिमिट से बाहर होगी बिल्कुल, चीटान में पहुंचेगा। हाँ अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सर पर दो फूल चढ़ा देना, कोई पूछे मरने की वजह तो बेआई मौत बता देना, कोई पूछे मिलने का पता तो शमशान घाट का रास्ता बता देना, लेकिन ये भाई भूप सिंह ये मेरी आपसे आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे चार कंधों पर रख के नौटंकी के घर से गुजार देना। चौथी बात में क्या लिख दिया, गुरु नसी कैसो। मैं ये सोच रहा हूं, मुझे भी विचार विमर्श करके कोई बात पता लगी है क्या, एक काम ना करा मैं तेरी नसबंदी ना करवा दू। मेरी बात सुन ले भाई,
इस चीज से तो तू चाहे अपने हाथ से मेरा गला घोटते, लेकिन यो काम मत करवा भाई। अच्छा जी, मेरी बात सुन ले, ऐसा जाड़े काटने को एक कम्बल 1100 रुपए मिल जाएंगे। मेरी बात सुन ले, चाहे बेशक से अपने हाथ से तू मेरा गला घोटते, लेकिन इस काम को ऐसा करवाऊंगा तू, ना मैं हिंदू रहूं ना मुसलमान। अच्छा बाल करना ना मरन देगा तू। हां कह दे सिकना सोचे लाबिया हानी ने बोली की मुझे मार मेरी भाभी मर जानी ने। अरे वो तुम्हार की ताना तेरा दिल हो गया दीवाना। अरे वो तुम्हार की ताना तेरा दिल हो गया दीवाना। अरे लाल दुपट्टा सपूत तो गुमनाम को भी विख्यात बना देते हैं। आइए साथियों, ये एक गीत के माध्यम से मैं अपने भाई प्रवीण भारतीय जी का मान सम्मान बढ़ा रहा हूं। कैसे बोला भाई प्रवीण भारतीय जी? मेरी लाइनों की तरफ थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना मेरे भाई। प्रवीण भारतीय भाई जी सदा सबका राख्या मान तने प्राणों से भी प्यारा समझा अपना हिंदुस्तान तने हो अपना हिंदुस्तान तने वीर भारतीय भाई जी सदा सबका राख्या मान तने प्राणों से भी प्यारा समझा अपना हिंदुस्तान चाहिए भाई। लाइन पहली लाइन मैंने पढ़ी, प्रवीण भारतीय भाई जी सदा सबका राख्या मान तने और प्राणों से भी प्यारा समझा अपना हिंदुस्तान तने। अगर लाइन अच्छी लगी तो जोरदार ताली से मेरे भाई का सम्मान बढ़ाएं। कैसे बोला मूढ़ी बकापुर है बुलंद शहर। अरे मूढ़ी बकापुर है बुलंद शहर धन मात पिता और ग्राम तेरा सतपाल सिंह के लाल देश में बहुत फैल गया नाम तेरा हो बहुत फैल गया नाम तेरा। हाँ माता देशवती देवी के चरणों में प्रणाम तेरा प्रवीण भारतीय भाई जी वो रक्षक है धन श्याम तेरा हो रक्षक है धन श्याम तेरा। हाँ जनता की सेवा में हरदम जनता की सेवा में हरदम राख्या अपना ध्यान तने प्राणों से भी प्यारा समझा अपना हिंदुस्तान तने हो अपना हिंदुस्तान तने। ₹3000 ये भी चेक द्वारा आए हैं भैया, चेक बाउंस ना हो जाए। बैसला जी, जी हाँ आदरणीय भाई मनोज बैसला जी,
सोनोटेक कैसेट कंपनी के द्वारा जो इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सबके बीच में, नेट और इंटरनेट के माध्यम से, कैसेट के माध्यम से इस कार्यक्रम को भेजेंगे भाई मनोज वैसला जी, वो 3000 रुपए चेक द्वारा दे रहे। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए, उनका बार बार धन्यवाद। जन्नी माँ से पढ़ के समझी प्यारी हो, पढ़ के समझी प्यारी हो, भ्रष्टाचार और अत्याचारी, भ्रष्टाचार और अत्याचार की मिट जा सब बीमारी हो, करप्शन फ्री बने भारत तेरे जीवन की तैयारी हो, जीवन की तैयारी हो। हाँ वंदे मातरम है काहिर देश, चौधरी प्रवीण भारतीय जी के पिता आदरणीय श्री सतपाल सिंह जी क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के लिए 11000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में हो जानी चाहिए, जोरदार ताली में उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। नहीं देखा आप जनता की समस्याओं को देखा, अरे जहां समस्या जो देखी तने उसका ही समाधान किया, शोषण ना हो कहीं किसी का जनहित में ऐलान किया, जनहित में ऐलान किया। हाँ बोस भगत सिंह वीरों के, बोस भगत सिंह वीरों के तने बलिदानों का ध्यान किया, भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत जन जन में आह्वान किया, जन जन में आह्वान किया। हाँ भारत माँ की सदा बढ़ाई, भारत माँ की सदा बढ़ाई, परवीन भारतीय शान तने प्राणों से भी प्यारा समझो अपना हिंदुस्तान तने, हो अपना हिंदुस्तान तने। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री देवी दयाल आईएएस, वो भी हमारे बीच में आए हैं। कहां हैं? मेरा निवेदन है एक बार खड़े हो जाएं भाई, एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से बाबूजी का सम्मान करें। जोरदार ताली आपकी तरफ से आदरणीय देवी दयाल जी के सम्मान में दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और इसी गीत में दो लाइन उनके सम्मान में भी मैं जोड़ रहा हूं। जी हाँ, हरेंद्र यादव जी, उनका भी मैं बार बार सम्मान कर रहा हूं। और दो लाइन पहले मुख्य अतिथि आदरणीय श्री देवी दयाल आईएएस के सम्मान में कह रहा हूं। कैसे बोला, श्री देवी दयाल आईएएस ने, देवी दयाल आईएएस ने हमारा मान बढ़ाया है, करप्शन फ्री इंडिया का हर दम परचम लहराया है, हर दम परचम लहराया है। आदरणीय डॉक्टर शीतला प्रसाद जी कहाँ हैं? मेरा उनसे भी अनुरोध भाई, एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली, जोरदार ताली डॉक्टर शीतला प्रसाद जी के सम्मान में भी हो जानी चाहिए। उनके लिए भी दो लाइन। और भाई प्रवीण भारतीय जी के पिताजी आदरणीय सतपाल सिंह जी, वो 100 रुपए से हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद।
पहचान सकल कहे क्यों करप्शन फ्री इंडिया की इन्हें रीड कहूँ या बले कहे क्यों रीड कहूँ या बले कहे क्यों हो श्री हरेंद्र यादव जी के श्री चरणों में ध्यान लिखूं कृषक और मजदूरों का मिला पूरा मैं सम्मान लिखूं पूरा मैं सम्मान लिखूं। प्रवीण भाई जी चार लाइन है क्योंकि करप्शन फ्री इंडिया का सम्मान हो रहा तो आप सभी का सम्मान आए हुए अतिथियों को भी सम्मान है जिनका नाम नहीं बोल पाया हूं उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं बार बार सम्मान है सभी का आइए कैसे कुछ लाइन हो स्थापना दिवस मना रहे हैं देश और परदेश में जाकर भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। अरे यूपी के 32 जनपद में यूपी के 32 जनपद में प्रवीण भारतीय छा रहे हैं इस अवसर पर जयवीर भाटी गा के गीत सुना रहे हैं गा के गीत सुना रहे हैं। गुरु ब्रह्मपाल ने ज्ञान दिया मातृ के कवर दान सने कणों से भी प्यारा समझा अपना हिंदुस्तान सने अपना हिंदुस्तान सने। प्रवीण भारतीय भाई जी प्रवीण भारतीय भाई जी सदा सबका राजकुमार सने कणों से भी प्यारा समझा अपना हिंदुस्तान सने हो अपना हिंदुस्तान। धानी को मेरे बाण चले धरती लरजे हुई हार पुरानी को मेरे बाण चले धरती लरजे हुई हार पुरानी मेहरबानों भीलों से क्या कहने
कहने लगता है, ये कहने लगता है कि हस्तिनापुर की भूमंडल पर इस तरह से धजा फटाके खाई हुई है, वो किस तरह से बताने लगता है। ज्ञान भी